हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 में आपके बायोलॉजी विषय में आज का जो टॉपिक है वो है आनुवंशिक कूट, यानी आनुवंशिक कोड भी इसको कहते हैं, यानी जेनेटिक कोड या आनुवंशिक संकेत। आप अभी तक आनुवंशिकता से रिलेट करके सब कुछ पढ़ते आ रहे हो यहाँ पर कि आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता की खोज किसने की, यानी आनुवंशिकता के जनक कौन है, इस प्रकार से। तो जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसमें आनुवंशिक सूचनाओं को, यानी आनुवंशिक संकेतों को, सूचनाओं को पहुँचाने का काम डीएनए करता है। तो डीएनए में कुछ ऐसे कोड उपस्थित होते हैं, वो कोड ही आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है पहुंचाते हैं। यानी एक पूरी प्रक्रम में बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। तो आइए आज देखते हैं आपका आनुवंशिक कूट। आपसे एक नंबर में पूछा जाता है कि आनुवंशिक कूट की खोज किसने की, तो आनुवंशिक कूट की खोज सबसे पहले नीरेनबर्ग एवं मथाई ने 1961 में की थी। पहली लाइन दी गई है, आनुवंशिक कूट की खोज नीरेनबर्ग एवं मथाई 1961 ने की थी, यानी 1961 में नीरेनबर्ग एवं मथाई ने की थी। और आपसे पूछा जाता है कि कृत्रिम प्रोटीन संश्लेषण किसने किया, तो ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी, इन्होंने किया था। तो कृत्रिम प्रोटीन संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी, और इन्हें जो है इसके लिए, यानी कृत्रिम प्रोटीन संश्लेषण के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। यानी दुनिया का विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ आपको कहीं कहीं जो है आनुवंशिक कूट की खोज के लिए भी डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी का नाम लिखा मिलेगा, तब भी आप इसको सही समझेंगे, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण और आनुवंशिक कूट दोनों, आनुवंशिक कूट दोनों में ही हरगोविंद खुराना जी का नाम आता है, लेकिन कहीं कहीं पर हरगोविंद खुराना जी को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर कभी लिखा हुआ मिलता है कि हरगोविंद खुराना और नीरेनबर्ग, तब भी आप सही लगाओगे, परंतु जो सबसे पहले नाम आता है वो नीरेनबर्ग एवं मथाई का आता है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं आनुवंशिक कूट क्या होता है, आनुवंशिक कूट या कोड भी इसको कहते हैं। देखिए क्या है, आनुवंशिक कूट या कोड नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। यानी कि आपको बताया है कि जो हमारा डीएनए अणु होता है वो तीन इकाई अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका सबसे पहले डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक, यानी डीऑक्सीराइबोज शर्करा, उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल, और तीसरे होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। तो नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए में जो है आपको बता है एडनीन, ग्वानीन, साइटोसिन, थायमीन पाया जाता है, जबकि आरएनए में सभी उसी प्रकार होते हैं, परंतु थायमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। तो ये जितने भी डीएनए और आरएनए दोनों के ही जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं उनका ही एक जो क्रम होता है, और वो क्रम जो है प्रोटीन अणु संश्लेषण की सूचना लिए हुए होता है। यानी आनुवंशिक कूट जो है वो उन्हीं क्षारकों की एक सीरीज होती है, श्रृंखला होती है, और उस श्रृंखला पर प्रोटीन संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। यानी प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार से हो रहा है उसका पूरा विवरण होता है उन नाइट्रोजनी क्षारकों पर। जैसे नाइट्रोजनी क्षारक ऐसे लिखा गया है UAG, तो ये क्रम है पूरा एक नाइट्रोजनी, यानी इसमें तीन नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के क्या बना रहे हैं, आनुवंशिक कूट। तो ये एक आनुवंशिक कूट है जिसमें से आपका यूरेसिल, एडिनिन और ग्वानिन तीन नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित हैं।
तो ये तीन नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम को ही आनुवंशिक कूट नाम दिया गया है और इस क्रम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण की सूचना उपस्थित है। यानी प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार से होगा उसका पूरा विवरण इस आनुवंशिक कूट पर उपस्थित होता है। तो आगे देखते हैं, तीन न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करता है प्रकूट यानी कि कोडान कहलाता है। तो ऊपर जैसे बताया था कि तीन तीन नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के एक आनुवंशिक कूट का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से तीन न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम यानी तीन न्यूक्लियोटाइड क्रम से मिलते हैं और जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। क्योंकि आपका जो डीएनए अणु है उसमें न्यूक्लियोटाइड, जब न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे होते हैं तो उसमें अमीनो अम्ल प्रोटीन के अणु भी उपस्थित होते हैं, क्योंकि डीएनए अणु की संरचना को निर्मित होने के लिए प्रोटीन अणु भी भाग लेते हैं। तो प्रोटीन अणु भी जो है वो आनुवंशिक कूट पर उपस्थित होते हैं। उसके साथ जब तीन तीन न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं या तीन तीन न्यूक्लियोटाइड क्रम से व्यवस्थित होते हैं और उन पर विशेष प्रकार से अमीनो अम्ल का निर्माण होता है तब वो क्या कहलाता है, प्रकूट कोडान कहलाता है। यानी कूट प्रकूट दोनों पूछे जाते हैं, कूट क्या है प्रकूट क्या है, यानी कि आनुवंशिक कूट या आनुवंशिक कोड या आनुवंशिक प्रकूट या आनुवंशिक कोडान, जेनेटिक कोडान ऐसे लिख करके आता है। तो एक एक लाइन में दोनों की डेफिनेशन दी गई है और एक एक लाइन में पढ़ना भी है कि आनुवंशिक कूट या कोडान जो है वो नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम है, अनुक्रम है जिस पर प्रोटीन के अणु उपस्थित होते हैं या प्रोटीन की संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। आगे तीन न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करता है प्रकूट यानी कि कोडॉन कहलाता है। आगे दिया गया है, आनुवंशिक संकेत प्रणाली में 64 प्रकूट होते हैं, यानी इनकी संख्या बताई गई है कि 64 संख्या होती है आनुवंशिक कूट की, जिनसे आनुवंशिक सूचनाओं को आनुवंशिक लक्षणों को पहचाना जाता है। यानी जो इसकी प्रणाली है आनुवंशिक कूट की, जो प्रणाली है आनुवंशिक संकेत प्रणाली है यानी आनुवंशिक कूट, क्योंकि देखिए क्या होता है, किसी भी वस्तु को किसी भी चीज को किसी भी पदार्थ को जानने के लिए उसका नाम रखा जाता है। यानी किसी भी वस्तु को अगर हमें पहचानना है याद रखना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, नाम होता है उसका। तो उसी प्रकार से जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं उन आनुवंशिक सूचनाओं को पहचानने के लिए उनके नाइट्रोजनी क्षारक के अनुसार संकेत बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए UAA ऐसे, और हमेशा क्या होता है ये तीन तीन की संख्या में होते हैं। ये देखिए अनुक्रम दिया गया जिसमें क्या है, यूरेसिल है और एडिनिन के दो अणु हैं, यानी एक नाइट्रोजनी क्षारक यूरेसिल और दो नाइट्रोजनी क्षारक एडिनिन उपस्थित है। तो ये क्या है, ये पूरा एक सीरियल बन गया और ये आनुवंशिक कूट कहलाता है, यानी ये आनुवंशिक कूट या आनुवंशिक संकेत कहलाता है। तो इस संकेत को बनाने के लिए जैसे एक किसी भी पहाड़े और गिनती को याद करने के लिए एक सारणी होती है, उसी प्रकार से आनुवंशिक संकेत को समझने के लिए एक सारणी बनी हुई है जिस सारणी में कितने प्रकूट दिए गए हैं, 64 प्रकूट उपस्थित हैं। यानी उस पूरी संकेत आनुवंशिक संकेत प्रणाली में 64 प्रकूट इसी प्रकार से दिए गए हैं, UAA, UGA यानी यूरेसिल ग्वानिन एडिनिन, यानी आपके जितने भी ये नाइट्रोजनी क्षारक है उन्हीं का क्रम बदलता रहता है और उसी बदलते क्रम के अनुसार उनकी आनुवंशिक सूचनाओं और आनुवंशिक लक्षणों को पहचाना जाता है। तो ये आपका आनुवंशिक कूट और प्रकूट ऊपर की दो लाइनों में बताया गया है। इसके बाद आनुवंशिक कूट की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं, यानी जो आनुवंशिक कूट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आनुवंशिक कूट की विशेषताएं भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि समापन कोडान
और प्रारंभ कोडान या प्रारंभन कोडान कौन कौन से होते हैं, यानी इस आनुवंशिक संकेत प्रणाली को शुरुआत करने के लिए कौन से आनुवंशिक कूट के क्रम को प्रयोग किया जाता है और अंत में समाप्त होने के लिए कौन से आनुवंशिक कूट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ दिया गया है, समझते हैं। आनुवंशिक कूट की सामान्य विशेषताएं में पहला पॉइंट, आनुवंशिक कूट त्रिक यानी ट्रिपलेट होता है। त्रिक मतलब तीन क्षारक उपस्थित होते हैं तब एक, जैसे कोई यह देखिए यूजी है, ठीक है, यूजी है या यूएजी, ठीक है, ये देखिए तीन तीन की संख्या में है, एक दो तीन, इसी प्रकार एक दो तीन, वही पहला पॉइंट है कि आनुवंशिक कूट त्रिक ट्रिपलेट होता है, यानी तीन तीन क्षारक ही जब मिलते हैं तब इन 64 प्रकूट यानी में से कोई एक प्रकूट या एक कूट का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए यूरेसिल, ग्वानिन, एडनिन तीन क्षारक मिलकर के एक प्रकूट का निर्माण कर रहे हैं, इसी प्रकार यहाँ पर यूरेसिल, एडनिन, ग्वानिन मिलकर के एक प्रकूट का निर्माण कर रहे हैं, और दोनों प्रकूटों या कूटों में से क्या है, जो नाइट्रोजनी क्षारक है उसका क्रम बदलता है, बाकी जितने नाइट्रोजनी क्षारक हमें डीएनए और आरएनए में बताए गए हैं उतने ही नाइट्रोजनी क्षारकों का प्रयोग कूट को बनाने में या संकेत प्रणाली को बनाने में प्रयोग किया गया है। तो पहला पॉइंट, आनुवंशिक कूट त्रिक ट्रिपलेट होते हैं यानी तीन नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम में होते हैं। उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जाता है बहुत बार कि प्रारंभिक प्रकूट और समापन प्रकूट कौन होते हैं, तो ए यू जी तथा जी यू जी आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। ए यू जी यानी एडनिन यूरेसिल ग्वानिन और ग्वानिन यूरेसिल ग्वानिन प्रारंभिक प्रकूट होते हैं, तो ये दो प्रारंभिक प्रकूट दिए गए हैं, जबकि यू ए ए यू जी ए यू ए जी यानी यूरेसिल एडनिन एडनिन यूरेसिल ग्वानिन एडनिन यूरेसिल एडनिन ग्वानिन समापन प्रकूट हैं, यानी जो आपकी आनुवंशिक संकेत प्रणाली बनाई गई है जिसमें 64 प्रकूट हैं उनमें से इन दो प्रकूटों से शुरुआत होती है और इन तीन प्रकूटों से प्रणाली की समाप्ति होती है। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि यानी समापन कोडान और प्रारंभक कोडान, यानी आपसे पूछा जाता है कि आनुवंशिक कोड में पाए जाने वाले प्रारंभ व एक समापन कोडान का नाम लिखिए। एक एक का नाम पूछते हैं, आप याद कर लेना, यहाँ पर दो लिखाए हैं, ए यू जी तथा जी यू जी प्रारंभिक प्रकूट, ये दोनों कैसे हैं, प्रारंभिक प्रकूट हैं, जबकि ये तीन यू ए ए यू जी ए यू ए जी समापन प्रकूट हैं, इनसे संकेत प्रणाली समाप्त होती है। आगे समापन प्रकूट जो हैं किसी भी अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं, यानी जो प्रारंभिक प्रकूट हैं ये अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, क्योंकि अमीनो अम्ल और प्रोटीन दोनों डीएनए अणु में उपस्थित होते हैं, डीएनए श्रृंखला में बनते हैं, तो जो समापन कोडान हैं जो समापन प्रकूट हैं ये किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं, ये भी एक बात ध्यान रखने वाली है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, आनुवंशिक कूट या कोड कोमा विहीन है, यानी आनुवंशिक कूट कोमा विहीन है, यानी आप जहाँ पर जैसे जी यू जी लिख रहे हो इनके बीच में कोमा नहीं लगाओगे, ठीक है, जैसे ये भी लिखा ए यू जी इसके बीच कोमा नहीं लगाना है, आनुवंशिक कूट कोमा विहीन है तथा सार्वत्रिकता दर्शाता है, यानी सार्वत्रिकता का मतलब है जहाँ कहीं भी ये उपस्थित होंगे वहाँ पर ये हमेशा त्रिक में होंगे, ट्रिपलेट में होंगे और सभी जगह उपस्थित होंगे, यानी जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही होगी वहाँ पर आनुवंशिक कूट उपस्थित होंगे, वो भी सार्व यानी सभी जगह होंगे और त्रिक में होंगे, ट्रिपलेट में होंगे, यानी कि तीन नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम में
व्यवस्थित होंगे। लिखा भी है, सार्वत्रिकता से तात्पर्य जीव चाहे पूर्व केंद्र की हो या सुकेंद्र की, आनुवंशिक कूट समान प्रकार से एमिनो अम्ल का ही निर्माण करेगा। यानी कि पूर्व केंद्र की और सुकेंद्र की से तात्पर्य है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका विभाजन के समय, या कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें केंद्रक का विकास नहीं होता है, परंतु जब जीव का निर्माण हो जाता है तब उसमें केंद्रक के स्थान पर केंद्रकाव उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियाइड उपस्थित होते हैं। उनमें भी आनुवंशिक कूट सार रूप से उपस्थित होगा, सार्वभौमिक रूप से उपस्थित होगा, वो भी ट्रिपलेट के रूप में यानी त्रिक के रूप में। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें सुकेंद्रकी सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है, यानी जिनमें पूर्ण केंद्रक का विकास होता है, उनमें भी जो आनुवंशिक कूट उपस्थित होगा वो ट्रिपलेट के रूप में उपस्थित होगा। तो दोनों ही प्रकार के केंद्रकों में आनुवंशिक कूट समान प्रकार से उपस्थित होगा और समान प्रकार से ही उपस्थित होकर के एमिनो अम्ल का निर्माण करेगा, क्योंकि आनुवंशिक कूट जो है एमिनो अम्ल का निर्माण करता है। दूसरे पॉइंट में बताया है जिसमें जो आपके प्रारंभिक प्रकूट हैं ये एमिनो अम्ल का निर्माण करते हैं, जबकि जो समापन प्रकूट हैं, अंतिम प्रकूट हैं, समापन कोडान हैं, ये किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण यानी नहीं करते हैं। यानी समापन प्रकूट किसी भी अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं। तो तीसरा पॉइंट समझ रहे थे कि आनुवंशिक कूट कोमा विहीन है तथा सार्वत्रिकता दर्शाता है, यानी जितने भी आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उन आनुवंशिक पदार्थ में आनुवंशिक कूट अवश्य रूप से उपस्थित होगा, चाहे वो केंद्रक यानी किसी भी जीव में चाहे वो केंद्रक उपस्थित हो चाहे ना उपस्थित हो। जिनमें उपस्थित होता है केंद्रक, यानी जिनमें ना उपस्थित से मतलब ये नहीं है वहाँ पर केंद्रक होगा नहीं, केंद्रक के स्थान पर केंद्रकाव जरूर होगा। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें विकास के समय यानी कोशिका विभाजन के समय केंद्रक का पूर्ण विकास नहीं होता है, परंतु वहाँ पर भी आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है जिसके कारण आनुवंशिक कूट भी होते हैं। तो पूर्व केंद्र की हो या सुकेंद्र की, दोनों प्रकार के केंद्रक में आनुवंशिक कूट समान प्रकार से उपस्थित होता है और समान प्रकार से ही अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। इसके बाद चौथा पॉइंट, आनुवंशिक कूट अन्न अतिव्यापी होता है, यानी आनुवंशिक कूट जो है अन्य अतिव्यापी होता है, अर्थात प्रकूट एक ही अक्षर का उपयोग दो भिन्न प्रकूटों में नहीं किया जा सकता है। यानी प्रकूट के एक ही अक्षर का उपयोग दो भिन्न प्रकूट में नहीं किया जा सकता है। यानी जब एक ही प्रकार का प्रकूट का निर्माण होगा तो एक ही जो अक्षर का उपयोग है वो दो भिन्न प्रकूटों में नहीं किया जा सकता है। यानी जब कोई दूसरा प्रकूट बनेगा तो उसमें कोई दूसरा नाइट्रोजनी क्षारक आएगा, और जबकि एक ही नाइट्रोजनी क्षारक को यानी एक ही प्रकूट में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अन्न अतिव्यापी होता है, यानी सभी में ये पूर्ण रूप से व्याप्त होते हैं सभी प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक। पांचवा पॉइंट, आनुवंशिक कूट असंदिग्धता दर्शाता है, अर्थात एक विशिष्ट प्रकूट एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। असंदिग्धता का मतलब होता है कि जो प्रकूट होगा वो एक बार में एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा, अर्थात एक ही विशिष्ट प्रकूट एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। जितने यानी अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, मान लिया ये UAA अमीनो अम्ल है, यानी ये नाइट्रोजनी क्षारक तीन मिलकर के एक आनुवंशिक कूट यानी अनुक्रम बना रहे हैं, इसके द्वारा जो अमीनो अम्ल बनेगा तो ये केवल जो अमीनो अम्ल बनेगा उसी को ही कोड करेगा, जबकि इसके द्वारा बनाए गए अमीनो अम्ल को ये वाला अनुक्रम कोड नहीं करेगा। इसका मतलब है असंदिग्धता दर्शाता है।
असंदिग्धता ये बायोलॉजी की भाषा, विज्ञान की भाषा है, जिसमें यह एक्सप्लेन करके भी समझाया है कि एक विशिष्ट प्रकूट एक ही अमीनो अम्ल में एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। यानी ये एक अगर प्रकूट है तो ये प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल को ही कोड करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक आनुवंशिक कूट या कोड समाप्त होता है। आप इसको आनुवंशिक कूट और आनुवंशिक कूट की सामान्य विशेषताएं फेयर करोगे और अच्छे से लर्न करोगे। इसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है पाठ्यक्रम में और किताबों में भी बहुत ज़्यादा दिया है, परंतु हमारे एग्ज़ाम के लिए हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार जो है इतना सफिशियंट है और हम इतना ही करेंगे अच्छे से और समझेंगे।